दोस्तों, अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वह है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे।
अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की। तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वह है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया,
जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा, तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा,
तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूं ना मूवी, जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं? तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वह है जी 7 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा, तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को
इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी,
अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला
एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की। तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा।
एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा, तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है।
जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये मूवी कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं
वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और ऋजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की। तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। बीजीएम की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड बीजीएम भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो बीजीएम है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूँ ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये मूवी कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं,
तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिजर्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है, एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा, तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं।
तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं
वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वह है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है,
तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। बीजीएम की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड बीजीएम भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो बीजीएम है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है,
एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा, तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं।
तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं
वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वह जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है,
तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बरोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है,
एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वह जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा, तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं।
तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं? तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वह है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं
वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वह है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है,
तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है,
एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वह है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा, तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं।
तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं? तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वह है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं
वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूजिक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वह है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है,
तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है,
एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वह है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन हैं, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा, तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं।
तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वह है जी 7 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं
वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों, अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वह है जी 7 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है,
तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और ऋजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है,
एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा, तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं।
तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला, तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं
वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते। दोस्तों अगर आप लोग भी SRK की मैं हूं ना मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये मूवी कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं साल 2004 में रिलीज़ होने वाली बहुत ही प्यारी मूवी मैं हूं ना के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, मींस इसका जनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो साल 2004 में रिलीज़ हुई मैं हूँ ना मूवी जो कि एक एक्शन प्लस रोमांटिक मूवी कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा। एक्शन भी भरपूर अंदाज में एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे की ये लेंथ वाली मूवी क्या आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये आप लोगों के 3 घंटे डिज़र्व करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्शन अच्छा है एंड उसी के साथ साथ कास्टिंग भी बहुत खूब की गई है। तो अब हम बात करते हैं जी कि इसकी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा। तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, जैद खान देखने को मिलेंगे, सुष्मिता सेन, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, राखी सावंत और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसकी जो IMDB रेटिंग है वो है जी 7/10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन अब हम बात करें गूगल के यूज़र्स की, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो
तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी फराह खान ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। लेकिन उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करें कि इस मूवी के राइटर कौन है, डायलॉग्स को किसने लिखा, स्टोरी लाइन को किसने लिखा एंड स्क्रीन प्ले को किसने संभाला। तो स्क्रीन प्ले को अब्बास टायरवाला ने, फराह खान ने और रिजेश साथी ने मिलकर संभाला है। डायलॉग्स की बात करें तो अब्बास टायरवाला इस मूवी के एडिशनल डायलॉग्स लिखने वाले हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो फराह खान ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी लिखा एंड उसी के साथ साथ इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो गौरी खान और रतन जैन जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जी स्टारिंग की, तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, जैद खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वी मणिकंदन जो हैं वो इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो शिरीष कुंदर जो हैं वो आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे। BGM की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे एंड BGM भी सुनने को मिलेगा। तो सॉन्ग्स को संभाला है जी अनु मलिक ने, लेकिन जो BGM है वो संभाले है जी रंजीत बारोट ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मूवी की म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और वेनस मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी आप लोगों को इरोज इंटरनेशनल ही देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी नेटफ्लिक्स पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते।